नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो शायद बहुत से लोगों को इस पर आपत्ति हो, लेकिन आप लोगों तक इस पर मैसेज पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखा जा रहा है बहुत से लोगों की शादियां पोस्ट वेडिंग के बाद ये देखा जाता है परेशानी बहुत आती है और परिवार टूट जाते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर, इसको इम्पोर्टेंस ही बोलते हैं। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो नपुंसक लोग जो बात बोली जाती है वो चीज़ इससे ही रिलेट होकर आती है, और इस विषय पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हमारे दिल्ली में ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आज आपको बताया जाएगा कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, कॉजेज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोज करने का तरीका क्या है, और शादी से पहले लड़के की काउंसलिंग होना बेहद ज़रूरी होती है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ गोयल नर्सिंग होम से डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। डॉक्टर अनिल गोयल जी आपको बहुत अच्छे समझाएंगे और आपको एक रास्ता दिखाएंगे। अगर किसी के साथ ही परेशानी है तो वो लोग घबराए नहीं, क्या करना है, डायग्नोज करने का तरीका क्या है, और सर आपको ऐसी बहुत सारी बातों को बताएंगे जिससे आपकी परेशानी दूर होगी। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मदद सो गए क्या? कुछ नहीं, जेंट्स प्रॉब्लम है। पर क्या, बताओ तो सही। सब पता है मुझे। क्या पता है आपको? बाल तोड़ हो गया ना आपको? ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो फिर क्या हुआ है? ये प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं हुई ना तो शादी तोड़ने में झिझक नहीं होगी मेरे को। ये बीमारी कब ठीक होगी डॉक्टर साहब? नहीं 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 नहीं, देखो ये बीमारी नहीं है, ये होता है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस समझते हो? परफॉर्मेंस एंजाइटी। आपने आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म शुभ मंगलम सावधान देखी होगी। फिल्म में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मुद्दे को उठाया गया है। फिल्म की तरह असल जिंदगी में भी लोग इस समस्या के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन बात न करना इस समस्या का समाधान नहीं है। इस मामले के प्रति समाज के उदासीन रवैये का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिल्म में कहीं भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का नाम तक नहीं लिया गया। बहरहाल एक स्टडी के मुताबिक 40 से 70 वर्ष के पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या पाई जाती है। वास्कुलर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों, डायबिटीज या प्रोस्टेट संबंधी सर्जरी की वजह से इस तरह की दिक्कत सामने आती है। इसके अलावा ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। लगभग 75% पुरुषों को इन्हीं कारणों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसी समस्या है जिससे संभोग के लिए पर्याप्त उत्तेजित लिंग नहीं हो पाता है। तो आपको आज हम बताएंगे कि क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और कैसे इस बीमारी को हम कर सकते हैं दूर। अगर आपको जाननी है ये सारी बातें हैं, तो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इट्स अ नॉर्मल इशू आल्सो इन अ कंट्री। इफ यू टॉक टू पीपल, इट इज एन इशू। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज एन इशू एंड दे डील विद इट। एवरी कपल प्रोबब्ली दे डोंट डील विद इट ऑल। कुछ कुछ कपल्स होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे एडिटर ने बताया कि यार इनको प्रॉब्लम थी किसी उनके फ्रेंड को, तो उनके माँ बाप ने बोला चलो यार आप ना कनाडा घूमने चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यू हैव टू सी टू इट। आपको प्रॉब्लम को देखना है, डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जाना है, उसको सॉल्व करना है, देयर इज अ प्रोसेस टू इट। तो हमने उसके बारे में इस फिल्म में बात की है। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN के लिए। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ये विषय बहुत ही संजीदा है और इस पर जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग शर्माते हैं और जिक्र नहीं करते हैं और ये परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। डॉक्टर गोयल, ये देखा जाए आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और तमाम दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं और उनको ये बताना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आखिर है क्या? देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बड़ा सीधा सीधा मतलब है दैट समबडी इज़ नॉट एबल टू गेट एन इरेक्शन,
इरेक्शन होने में समस्या है, फिर उसको सस्टेन करने में समस्या है, और इतनी समस्या है कि दैट ही इज़ नॉट एबल टू हैव ए सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पार्ट होता है डिक्रीज डिज़ायर, तो उसको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ ही हम लोग जोड़कर बात करते हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा, मुझे लगता है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन 40 साल के बाद उम्र में बहुत कॉमनली पाया जाता है और यंग एज में भी काफ़ी मात्रा में ये पाया जाता है, लेकिन लोग अपने क्लोजेट्स में रहते हैं और उसको बाहर नहीं आने देते, और इतनी प्रॉब्लम होती है कि शादी हो जाती है और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम फिर एक फैमिली प्रॉब्लम होती है और एक सामाजिक समस्या बन जाती है। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि ये लड़के को आप चेक कर दीजिए कि इसका जो शादी हुआ है उसकी पत्नी कहती है इसका इरेक्शन नहीं होता, और उसके बाद वो उस मसले कोर्ट में भी जाते हैं। तो मैं ये सबसे पहले शुरुआत में ही ये सजेशन दूंगा कि किसी को भी जरा भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में सेक्सुअल प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो शादी के पहले अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, क्योंकि कोई भी एज हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज संभव है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और बहुत से लोगों को अगर इस बात की शर्मिंदगी हो रही होगी और आपने एक उम्मीद बताई कि इलाज इसका है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, कॉजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी ओपीडी में किस तरह के पेशेंट को देखते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था तो आपने बताया कि यंग जो 25 से 30 ईयर्स के बीच के लोग भी आपके पास आते हैं और ये समस्या बहुत देखी जाती है। देखिए, हमारे पास हर एज ग्रुप के पेशेंट आते हैं, पहली बात। दूसरा बात, जो खास तौर से प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो यंग मैरिड कपल्स हैं, ये बहुत आते हैं, लेकिन इतना भी है ये आए हैं हमको दिखाने इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लेकिन शुरुआत में वो बात करते हैं कि सर पेट दर्द है, ये है वो है, तो वो थोड़ा शर्माते हैं। तो इसमें मैं उन मैच्योरिटी में खासतौर से उनकी पत्नी, उनको तारीफ करूँगा कि जो कपल आते हैं उनको पत्नी शुरुआत करती है, तब वो आप बताते हैं कि हमको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इरेक्शन होने में समस्या है। फिर वो धीरे धीरे हम लोग फिर जब हिस्ट्री लेते हैं तो उससे सारा पता चलता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मैं मतलब वाइफ के साथ आते हैं और बताने बहुत से लोग शर्मिंदगी करते हैं, और आपने कहा बहुत से लोग ये कहते हैं कि पेट दर्द है, लेकिन आप लोग समझ जाते हैं। सर, कॉजेस क्या हैं इसके? देखिए, दो मेजर ग्रुप हैं, एक है ऑर्गेनिक कारण, मतलब फिजिकल कारण जिसको कह सकते हैं, शारीरिक समस्याएं हैं। दूसरा है मानसिक समस्याएं, मतलब साइकोलॉजिकल या दिमागी समस्याएं। आप ये समझ सकते हैं कि सेक्स एक दिमाग से शुरू होता है, मतलब पहले आपकी इच्छा होती है, उसमें फिर हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें डिज़ायर होती है, तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड जब निकलता है तो वो स्टिमुलेशन होने के, फिजिकल स्टिमुलेशन के बाद फिर इरेक्शन होता है। तो और साइकोलॉजिक कारण में सबसे बड़े कारण है स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ये तीन मेन कारण हैं साइकोलॉजिकल में। दूसरा जो ऑर्गेनिक कारण है, जैसे कि खून का दौरान कम होना, या आर्टीरियल या वेस्कुलर है या वीनस है। इसके बाद या नर्व्स हैं जो कि इरेक्शन करती हैं, उन नर्व्स में कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड की नर्व जो जा रही है उसमें चोट लग गई है, या मान लीजिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन जैसी डिजीजेज हैं, तो इस तरह की चीज़ों में भी वो हो सकता है। तीसरी चीज़ है हार्मोनल, कि टेस्टोस्टेरोन एक मेन हार्मोन है जो कि डिज़ायर और इरेक्शन में मदद करता है, तो टेस्टोस्टेरोन कम है जो कि टेस्टिस जो बाइलेटरल दोनों गोलियों से निकलता है वो अगर कम हो गया है तो भी ये दिक्कत आ जाती है। चौथी चीज़ है अगर पेनिस में या आपके फैलस में कोई समस्या, पेरिनिस डिजीज है, फाइब्रोसिस हो गई है, तो उस दशा में या चोट लग गई है वो हो जाता है, या बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, जैसे कि आपको जुकाम की एंटी स्टेमिनिक्स लेते हैं, कुछ जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव हैं दवाइयाँ हैं, या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्रग्स जो लेते हैं, या अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये भी बहुत बड़े बड़े एक कारण माने जाते हैं। लोग समझते हैं कि अल्कोहल से आपकी परफॉर्मेंस ऐसे बढ़ जाती है, लेकिन अल्कोहल जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। अल्कोहलिज्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा और कारण है लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपर, ये हम कहते हैं फैक्टर्स हैं।
हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, डिसलिपिडीमिया, ये सब मिलकर जो खून का दौरान पेनिस में कम करते हैं तो हार्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, किसी भी एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई ना कोई कारण मिलता है। इसीलिए ये ना समझें कि 60 साल का हो गए, 50 के हो गए तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन एज रिलेटेड है, कुछ नहीं करना। नहीं, निश्चित रूप से उसकी जाँच कराएँ, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है कि आपको आने वाले हार्ट अटैक का सूचना दे रहा है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक्चुअली एक संतरी की तरह काम करता है, जो ये बताता है कि आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि पेनिस की वेसल्स बहुत थिन वेसल्स होती हैं, अगर उसमें खून का दौरान कम है तो आगे आने वाली कोरोनरी या हार्ट डिजीज़ का संभावना है बढ़ जाती है। बिल्कुल डॉक्टर गोयल, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, और आपने समझाया कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और लोगों को परामर्श करना डॉक्टर से बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपने कहा कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आपको आने वाले समय में हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, एक संतरी की तरह काम करता है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखिए, आप समझ सकते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक रिलेशनशिप और सोशल प्रॉब्लम है। खुद की सेल्फ एस्टीम, खुद का कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आदमी में अपनी सेल्फ एस्टीम खुद की कम हो जाती है और हस्बैंड वाइफ के झगड़े चालू हो जाते हैं। उसके अलावा आप समझ सकते हैं डिप्रेशन में मरीज आएगा, उसके अलावा उसको स्ट्रेस रहेगा, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स तो उसके होंगे ही। एक मेजर फंक्शन आप नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए आपके हाथ में चोट लगी, एक हाथ का काम नहीं कर पा रहा, इसी तरह जो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा उससे सारे आपकी अपने खुद की शारीरिक और सामाजिक सारी समस्याएँ उससे पैदा हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाएं। हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं और फिर एग्ज़ामिन करते हैं। हिस्ट्री में यही जानना है कि डिज़ायर कितनी है, उसके बाद ये जानना है कि कितना देर इरेक्शन होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है। तो उसके लिए हम जो एग्ज़ामिन करेंगे तो सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई उसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किडनी डिजीज़ के या किसी के साइन तो नहीं है। फिर ये देखना होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, जैसे कि बाल चेहरे पे आना है, पूरे बॉडी पे बाल आना है, वो अगर कम है तो हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा चीज़ है कि टेस्टिस का साइज़ है, टेस्टिस का साइज़ अगर कम है या नॉर्मल नहीं है या कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है तो टेस्टिकुलर डिसफंक्शन हो सकता है। चौथा चीज़ हम देखते हैं कि फैलस, उसमें कोई फाइब्रोसिस या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। ये देखने के बाद एक डायग्नोसिस, एक इसको प्रोफॉर्मा कहते हैं, एक हम प्रोफॉर्मा भरवा देते हैं, उससे हमारे को पता चलता है, क्वेश्चनेयर होता है कि किस सीवियरिटी का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। उसके बाद जांच बहुत सीधी सीधी जांच है, शुगर का हमें पता करना है, यूरिन एग्जामिनेशन का करना है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना है, टेस्टिस का भी जरूरत पड़ती है तो करते हैं, या पेनिस का कि ब्लड फ्लो पेनिस में है कि ठीक है कि नहीं है, या पैर में स्वेलिंग है, कोई हाइपरटेंशन का ऐसे सिम्टम तो नहीं है, या गायनेकोमेजिया, ऐसी कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की चीज़ तो नहीं है। ये सारा देखने के बाद हमारे को ये पता चल जाता है रफली कि ये ऑर्गेनिक कॉज है, फिजिकल कॉज है या साइकोलॉजिकल कॉज है। अगर साइकोलॉजिकल कॉज है तो काउंसलिंग बहुत मदद करती है, और काउंसलिंग में मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हस्बैंड वाइफ साथ आएँ और वाइफ भी इस तरह सोचे कि इस एक ये बीमारी है और इसका इलाज संभव है, तो उसको कोऑपरेट करके तब जल्दी इलाज संभव है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उसमें कई बार हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी देखते हैं। ऑर्गेनिक कारणों में जो कारण है सबसे ज़्यादा, ये हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि दवाइयाँ देते हैं कुछ, या जो कारण है उसका इलाज करते हैं। मान लो वैस्कुलर कारण है, मान लीजिए इंटरनल आइलिया के कहीं आर्टरी में ब्लॉक है तो उसको खोला जाता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, इनका इलाज ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहला इलाज का पार्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइजेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ये सारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग, ये बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद हम इलाज पर आएंगे। बहुत अच्छी बात सर आप बता रहे हो, और ये विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो दर्शक आपको देख रहे होंगे वो आप उनको संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। सर, ये सारी बात आपने बताया, डायग्नोस करने का बताया, और आपने कहा काउंसलिंग होना बेहद ज़रूरी है, और वाइफ को ये सोचना चाहिए एक बीमारी है और ये ठीक हो सकती है, बिल्कुल मन में नेगेटिव विचार ना लाएं। सर, ट्रीटमेंट किस तरह का है? देखिए, सबसे पहले
तो कुछ गोलियां हैं, जैसे बहुत कॉमन लोगों मतलब घर घर में वियाग्रा नाम की गोली, सिल्डेनाफिल, एक्चुअली वो है सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वर्डेनाफिल, इस ग्रुप की दवाइयां हम देते हैं। तो ये लेकिन SOS बेसिस पे दी जाती हैं, आधा घंटे से एक घंटे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। लेकिन मैं यहाँ फिर इसके बारे में भी एक वर्ड ऑफ कॉशन, जो नाइट्रेट या सॉर्बिट्रेट जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं वो लोग इसको ना लें बगैर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, दवाई मिलती भी नहीं, लेनी भी नहीं चाहिए, पहली बात। इसके कारण हॉट फ्लशेज, नेजल कंजेशन, हेडेक, ये इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। हार्ट डिजीज, नाइट्रेट ले सकते हैं तो उनमें हार्ट अटैक हो सकते हैं। लेकिन जो सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल है, जो नॉर्मल जिसका इरेक्टाइल फंक्शन है, वो इस दवाई को ना लें, सेक्स एनहांसर नहीं है ये। और ये दवाई भी तभी काम करती है आफ्टर सेक्सुअल स्टिमुलेशन, फिजिकल स्टिमुलेशन, जब नाइट्रिक ऑक्साइड नॉर्मल स्टिमुलेशन पे निकलता है तभी ये काम करेंगी। आप बगैर सेक्सुअल स्टिमुलेशन के ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा जो दवाइयों का ग्रुप है वो है टेस्टोस्टेरोन का ग्रुप, जो कि हार्मोन वगैरह हैं। तीसरा ग्रुप है नॉन स्पेसिफिक आर्जिनिन बेस्ड कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो देते हैं हम लोग। चौथा इसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन है या फेंटोलामीन या इस पेपावरिन जैसी कुछ दवाइयाँ हैं जो पेनिस में डायरेक्ट इंजेक्ट की जा सकती हैं, तो इसका हम लोग फेंटोलामीन, पेपावरिन टेस्ट या प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन का टेस्ट करके भी देखते हैं कि इरेक्शन उसका साइकोजेनिक है या ऑर्गेनिक है। इसका यह भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। वो पेनिस के बेस पे इंजेक्शन लगाया जाता है, वो कई बार सेल्फ इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। यूरिथ्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन के पैलेट्स वो भी लगाए जाते हैं, पेशाब के रास्ते में डाले जाते हैं। इसके अलावा वैक्यूम डिवाइसेस हैं, जिसमें कि एक सिलेंडर टाइप वैक्यूम होता है, उसमें रिंग बेस ऑफ पेनिस पे फिक्स कर कर उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो ब्लड भर जाता है पेनिस में, रिंग वहीं रहता है, फिर ऊपर का सिलेंडर हटा देते हैं। इसके बाद अगर इनसे भी नहीं चले तो निश्चित रूप से पिनाइल प्रोस्थेसिस या पेनिस में रॉड जैसी चीज़ या इन्फ्लेटेबल प्रोस्थेसिस ऑपरेशन करके लगाई जा सकती है। तो इस तरह चाहे साइकोलॉजिकल हो या ऑर्गेनिक हो, दवाइयाँ भी हैं, वैक्यूम डिवाइसेस हैं, पिनाइल प्रोस्थेसिस हैं, बहुत सारे इलाज संभव हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अगर ये चाहे वो अपनी इच्छा कर ले कि मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन से निजात पाना है तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, लाइफस्टाइल डिजीजेज पॉजिटिव रहे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सबको ठीक करें और उसके बाद कुछ दवाइयाँ या कोई ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जिस तरह से डॉक्टर गोयल ने आपको बताया कि जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, उनको ये परेशानी होने के बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाता है, और साथ ही साथ एक लाइफस्टाइल भी आप बहुत अच्छी रखें। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैस्टर्बेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और ये आने वाले टाइम में इसका भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैस्टर्बेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे रिलेट होता है इससे? मैस्टर्बेशन इज़ लाइक ए सेक्सुअल हंगर। मैस्टर्बेशन करना पहली बात तो बहुत गलत बात नहीं है, पहली बात। दूसरा, एक्सेसिव कोई भी काम करना वो गलत है। तीसरी बात, मैस्टर्बेशन का पोर्नोग्राफी के साथ भी बड़ा लिंक हम लोगों ने पाया है। पोर्नोग्राफी का एक्सेसिव यूज़ करके मैस्टर्बेशन करना, और उससे कई बार क्या है, अगर पेनिस में चोट लग जाए, इरेक्ट पेनिस मुड़ जाए और उसके बाद परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो कभी कभार मैस्टर्बेशन करना कोई समस्या नहीं है, इट इज़ लाइक ए सेक्सुअल हंगर, इट इज़ नॉट बैड, बट बी केयरफुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल गोयल, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने आज ऐसे विषय पर चर्चा की जो दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस पर खुलकर नहीं बोल पाते हैं। और कई बार जैसा देखा जाता है, आपने बताया कि लोगों के संबंध खराब होने लगते हैं, शादियां तक टूटने लगती हैं, परिवारों में फूट पड़ने लगती है। तो दर्शकों, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हुई होंगी। अगर किसी के साथ ऐसी परेशानी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर, तो वो लोग बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि बहुत अच्छा इलाज है और ये एक बीमारी है और समय रहते इसको ठीक कर लिया जाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।